जो मेरे से काफी सारे लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन होता क्या है, हमारे बच्चों में हो कैसे गया, ऐसा क्या बीमारी है ये जो बढ़ रही है। तो आज मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, इसकी क्रिटिकल इसकी डेप्थ में मत जाइए, आसान है जल्दी समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल और ब्रेन आवर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो मेरे से काफी सारे लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन होता क्या है, हमारे बच्चों में हो कैसे गया, ऐसा क्या बीमारी है ये जो बढ़ रही है। तो आज मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, इसकी क्रिटिकल इसकी डेप्थ में मत जाइए, आसान है जल्दी समझ में आएगा। एक हमारे बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए जिनको बोलते हैं साइमंड फ्रॉयड, ये यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, ईड ईगो एंड सुपर ईगो। ये कंसेप्ट ओवरऑल इंडिया से ही लिया गया था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो क्या था और वो कैसे चलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस जर्नी पे जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये समझने के लिए, डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है, आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब हम चल रहे हैं उस जर्नी पे ये समझने के लिए कि ईड ईगो एंड सुपर ईगो क्या होती है और हमारे को कैसे इंपैक्ट करती है और कैसे हमें डिप्रेशन हो जाता है और एंजाइटी हो जाती है। तो ईड ईगो एंड सुपर ईगो, ये तीन जो कंसेप्ट मिले हैं हमें साइमंड फ्रॉयड से, फ्रॉयड ने जो ये दिया है उसका कहीं ना कहीं कोई बेस लिया होगा, तो वो बेस है भगवत गीता। वो भगवत गीता जिसमें लिखा है कि तीन तरह के गुण के अंदर संसार में मानव सारा जीवन व्यतीत कर देता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, और तीनों ही गुणों में आप पूरी लाइफ निकालते हैं। तो ईड मींस आप इसको तमोगुण मान सकते हैं, ईगो मींस रजोगुण और सुपर ईगो मींस सत्वगुण। तो बड़ा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं। ईड ईगो सुपर ईगो के हिसाब से समझ लीजिए या तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण के हिसाब से समझ लीजिए, दोनों के हिसाब से आप समझ पाएंगे डिप्रेशन क्या है और एंग्जाइटी क्या है। अब हम आते हैं ईड ईगो सुपर ईगो, क्योंकि हमें थोड़ा इंग्लिश के वर्ड ज्यादा लुभावने लगते हैं तो हम उसी की बात करते हैं। ईड ईगो सुपर ईगो में हम डेली रूटीन में ऐसे ही काम करते हैं। ईड क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, तमोगुण, तमोगुण हमारा फायदा हो ना हो दूसरे का नुकसान होना चाहिए, पहला कंसेप्ट। और दूसरा कि हमारा फायदा हो तो भी ठीक है लेकिन दूसरे का नुकसान जरूर होना चाहिए। तो हम ये सोचे समझे बिना जो हम काम करते हैं वो सारे के सारे ईड में आते हैं। जैसे हम समझने की कोशिश करें, आई मेरा नेटिव प्लेस है हरियाणा, तो वहां कहते हैं भाई कोई बात नहीं, मेरी भैंस मर जाए तो कोई इशू नहीं, दूसरे की कटड़ी जरूर मरनी चाहिए। मतलब मेरा कितना भी नुकसान हो जाए उसका दूसरे का नुकसान जरूर होना चाहिए। जब हम इस तरह की बातें करने लगते हैं तो ये ईड का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। और रजोगुण क्या है, दिस इज द नॉर्मल थिंग जिसको हम ईगो बोलते हैं। हम नॉर्मली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं, हम सोशली लोगों से एक फॉर्मेलिटी करते हैं, सोशली मिलने का एक तरीका होता है हमारा, हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा सुपर ईगो, कभी कभी हम ये सोचने लगते हैं नहीं ये तो सब माया है, ये तो सब भगवान अलग हैं, यह जो दुनिया ही बेकार है, मिथ्या है, तब हम सुपर ईगो में चले जाते हैं या हम दान करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, तो हम सुपर ईगो में चले जाते हैं। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ये काम करते हैं। जैसे आप सुबह उठे, आपने बिल्कुल अपनी तैयारी की ऑफिस जाने के लिए, तो आपने पूजा पाठ अगर किया तो आप उस टाइम सुपर ईगो, अगर आपने कोई दान धर्म किया आप सुपर ईगो में हो, आपकी फीलिंग्स अलग हैं, आप महसूस करना कभी भी आपकी फीलिंग्स बिल्कुल अलग है। फिर आप ऑफिस चले, आपने ऑफिस जाके क्या किया, आपने स्टाफ को कमांड देनी शुरू की, ये करना है ये नहीं करना है, ऐसे करना है, इसको ड्राइव करना है, वो बिजनेस लाना है, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, ये हमारी रूटीन एक्टिविटी, ये ईगो के अंदर। ईगो में कभी कभी हम बायस ईगो हो जाते हैं जिसमें हम थोड़ा दूसरे का नुकसान करने लगते हैं। जैसे आपने बोला
अरे तुम्हारा कंपटीटर का चेक करो क्या प्राइस है, जैसे नॉर्मली पूछते हैं, तो मैं अपना एक नया प्रोडक्ट का नया प्राइस निकालूंगा, उसको बीट कर दूंगा, तो हम थोड़ा सा कंपटीटर के लिए बायस्ड हो जाते हैं, उसको हम बायस्ड ईगो बोलते हैं। ये ईगो के अंदर ही बहुत सारे पार्ट हैं। जो लोग हमसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं साइकोलॉजी, उनको ये मालूम है, मैं डिटेल में उनको पढ़ाता हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी चीजें बोलूंगा, बट आप इतना ही समझिए। तो ये ईगो हो गई, और इट मीन्स कभी कभी हम पी के दूसरी दुनिया में होते हैं, तब हम बॉस को गाली दे रहे होते हैं, वाइफ को गाली दे रहे होते हैं, मारपीट करने की सोचते हैं, या रैश ड्राइविंग करते हैं। ये सारे माइनर ईगो ईड के वो हैं, एग्जांपल्स हैं। और इसके बड़े एग्जांपल्स हैं क्रिमिनल हो जाना, एंटी सोशल हो जाना, ये सारे के सारे ईड के बड़े एग्जांपल। तो हम इसमें फ्लक्चुएट करते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया ईड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, मीन्स तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है और सत्वगुण क्या है। आप क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन क्या है। हमें तो समझना ही है ना डिप्रेशन क्या है। अब ये बेसिक सिद्धांत है, हम चेंज होते हैं ईगो में, कभी ईड में, कभी सुपर ईगो में, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। लेकिन कभी कभी एक वो शब्द यूज करते हैं ना, अटक जाता है। गियर आप लगाते हैं ना गाड़ी में, गरारी अटक गई, गियर चेंज ही नहीं हो रहा, ब्रेक अटक गई, नहीं चल रही गाड़ी। तो वैसे ही जीवन की गाड़ी में कभी कभी हम ईगो या सुपर ईगो किसी एक में अटक जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, उसी को डिसऑर्डर बोलते हैं, और उस डिसऑर्डर को कंबाइंड करके हम उसको डिप्रेशन बोल देते हैं। इसका बड़ा आसान सा एग्जांपल है, मान लो कोई आपके नियर एंड डियर की डेथ होगी। हम सबको मालूम है शो मस्ट गो ऑन, ये लाइफ की फैक्ट है, किसी की भी डेथ हो सकती है। लेकिन हम बार बार उसी को याद करते हैं, क्राई करते हैं, उसी ही मोमेंट्स में रहते हैं, तो हमारा जो है सुपर ईगो, बायस ईगो, ये कहीं ना कहीं हम फंस गए। कोई ना कोई रीजन होगा उसके बैंड, वो जो रीजन है वो इन तीनों में से कोई एक होगा और फंस गए, तो हम डिप्रेशन में चले गए। और कुछ ऐसा बड़ा डिप्रेशन में, डिप्रेशन ओवरऑल है। अब डिप्रेशन के बहुत सारे डीप मीनिंग्स हैं, बट मैंने ओवरऑल आपको बता दिया डिप्रेसिव मोमेंट्स में क्या होता है। क्राई करता है आदमी, आदमी अकेला रहना पसंद करता है, लाइटें बंद कर देता है, बात नहीं करता है, हंसने की बात पे हंसता नहीं है। दीज काइंड ऑफ पैरामीटर्स आर डिप्रेसिव पैरामीटर्स। अब आते हैं एंजाइटी पे, क्योंकि आज हमें समझना है डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है। अब हम आते हैं एंजाइटी पे, एंजाइटी क्या होती है। अगेन ईड ईगो सुपर ईगो के बेस सिद्धांत पे एंजाइटी है। तो उसमें क्या है, जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, जैसे आप मंदिर में, मंदिर से बाहर आने में, आपकी गाड़ी तक आने में आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कभी भी आप जज करिए, मंदिर के प्रांगण तक आपके विचार बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है गाड़ी में बैठ के आप किसी रिलेटिव की बातें करें, किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, कोई बिजनेस की टॉक करें, अगर बिजनेस पे जा रहे हैं तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी विल स्टार्ट। तो उसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डेल्टा टाइम होगा जो आप स्विच ऑन करते हैं एक से दूसरे में जाने के लिए। ईगो से सुपर ईगो और ईड में जाने के लिए आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उसे कहते हैं। जैसे आप अपने स्टाफ को गाइड कर रहे हैं, तो गाइड करते करते सडनली अगर आप चिल्लाने नहीं लगेंगे, कोई ना कोई बात होगी, गुस्सा करेंगे, फिर उसको पूछेंगे धीरे धीरे, अच्छा बता तेरे साथ क्या करूं, क्या करूं मैं तेरे साथ, फिर वो क्या करूं की आवाज धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी बॉस होंगे जो पहली बार ही ट्रिक हो जाते हैं, तो वो एंजाइटी लेवल में रहते हैं। इसी को एंजाइटी बोलते हैं कि अगर आप स्विच और टाइम को खत्म कर देते हैं, जो लैप्स हो जाता है, डेल्टा टाइम आपका है ही नहीं, सडनली आप मूव कर रहे हैं या ईगो में, कभी ईड में, कभी सुपर ईगो में, तो आप एंजाइटी में। और एंजाइटी में क्या होता है, उस सब की डिटेल मेरे दूसरे वीडियो में अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। तो जो सुपर ईगो है और ईड है, तीनों को अगर हम टाइमली शिफ्टिंग का टाइम खत्म कर देते हैं तो उसको एंजाइटी बोलते हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा डिप्रेशन क्या है और एंजाइटी क्या है। और ये ओवरऑल मैक्रो लेवल पे इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं जो लेटर ऑन वो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं, वो भी आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, एंजाइटी से क्या प्रॉब्लम होती है या डिप्रेशन से क्या प्रॉब्लम होती है, और दोनों से कैरियर ग्रोथ में क्या इशू आते हैं, कैरियर ग्रो नहीं होता, फैमिली में इश्यूज आ जाते हैं,
आपकी रोजमर्रा की लाइफ में इशू आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें मूवमेंट रुक जाती है। तो आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि ईड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, और डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है। आप हमें बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपको मेरे ख्याल बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी डिप्रेशन है क्या, एंजाइटी है क्या, और इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो जो आपका रीजन है उसको रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, सिंपल है। तो जो भी साइकोलॉजिस्ट आपके नेर होगा आप उससे बात करिए, वो आपको चेंज कर देगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और साइकोलॉजिकल चीजें और जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।